गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हम लोग हिंदी की बुक विहान पढ़ेंगे। तो चलिए बुक ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने ह से हल तक पढ़ लिया है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 8 ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी अपने पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मीन्स जो अक्षर होते हैं उनमें एक अलग सी ध्वनि आती है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे ये छ है तो यहाँ क और षटकोण स की ध्वनि निकलती है। क और षटकोण स, क के पैर में हल लगा होता है और षटकोण स मीन्स कक्ष। छ से छत्री, यहाँ देखिए त्र, त और र की ध्वनि निकलती है तो त्र से त्रिशूल। ये देखिए ज्ञ, ज्ञ, ज और इय की ध्वनि निकलती है ज्ञ से ज्ञानी। श्र, बड़ा स और र की ध्वनि निकलती है श्रमिक। अब यहाँ देखिए अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण वो वर्ण होते हैं जो बाहर से वर्ण आए हुए होते हैं। ये देखिए चिल्ड्रेंस, ये ड है और ये ड है। अब ये दोनों क से लेके ज्ञ तक के अक्षर में कहीं नहीं है तो ये बाहर से आए हुए अक्षर हैं। और ये दोनों अक्षर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगते हैं, या तो बीच में लगेंगे या फिर लास्ट में लगेंगे। ये देखिए र ब ड, यहाँ पे ड लास्ट में आया है, ये पहले नहीं आ सकता। ड ब र ऐसे नहीं हो सकता है, तो यहाँ र ब ड तो ये लास्ट में आया है, ये हमेशा लास्ट में लगेगा या फिर कोई अक्षर होगा जिस जहाँ पे बीच में लगता है। जैसे लड़की, लड़की होगा तो यहाँ ये ड बीच में आ जाएगा, ये ड है। जैसे पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना हो गया, वैसे ही चढ़ना ऐसे करके होगा। तो ये दोनों वर्ड अतिरिक्त वर्ण है। तो चिल्ड्रंस, आप सभी लोग ऐसे ही क से लेकर के ज्ञ तक को रीड कर लेंगे। ओके।